पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की इस घटना के बाद आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कैसे होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हर दिन 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। ये जानकारी साल 2020 में संसद में दिए गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे होता है प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे ये जवान असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे हथियारों से लैस होते हैं। इसके बाद दूसरा घेरा पर्सनल गार्ड का होता है। तीसरे घेरे में एनएसजी कमांडोज होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन में माहिर माने जाते हैं। चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं। पांचवा घेरा लोकल पुलिस का होता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं पांचवें घेरे की जिम्मेदारी वहां की पुलिस की होती है। कैसे चलता है पीएम का काफिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एडवांस्ड गाड़ियां होती हैं। इस काफिले में सबसे आगे राज्य पुलिस की गाड़ी होती है। रूट क्लियर कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में बैठते हैं इनमें 2 आर्म्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंच के साथ 1 दर्जन और गाड़ियां होती हैं। ये सभी गाड़ियां पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती हैं। इस काफिले में 2 डमी कार और एम्बुलेंस भी होती है। इसके साथ ही एक जैमर गाड़ी भी इस काफिले के साथ चलती है। ये गाड़ी सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस को डिफ्यूज करने में सक्षम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के काफिले में लगभग 100 जवान शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री का रूट एसपीजी प्लान करती है और इस पर 10-15 मिनट पहले आम ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।